चुराती शाइस्ता लगातार पुलिस को चकमा देती आ रही है, लेकिन कानून को धोखा देकर फरार शाइस्ता के गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इससे जुड़ी कुछ थ्योरी भी अब सामने आ रही है। बेटे का एनकाउंटर भी उसने देखा, शौहर के मर्डर की भी उसको जानकारी थी, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता कानून की आंखों में यूं ही धूल झोंकती रही। आज भी पुलिस को चकमा दे रही शाइस्ता की तलाश यूं ही जारी है, लेकिन लंबे वक्त से फरार शाइस्ता को लेकर कई थ्योरी भी सामने आ रही है। शाइस्ता को पुलिस पर भरोसा नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, हर एक गुनहगार की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि किसी को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शायद यही वजह है कि अतीक की पत्नी पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। शूटर के साथ है शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तीन शूटर्स अब भी फरार हैं। इनमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर शामिल हैं, और उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल अतीक की पत्नी भी फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी शाइस्ता का नामोनिशान नहीं मिला। शक ये भी है कि अतीक की पत्नी उमेश के किसी शूटर की मदद से फरार हुई है, और शूटर्स के दबाव में ही शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही। अतीक के काले कारनामों की जानकारी। अतीक अहमद के काले साम्राज्य का हिसाब किताब शाइस्ता के पास था। ऐसे में पुलिस को इस बात का भी शक है कि शाइस्ता अपने शौहर के कारनामों को छिपाने की फिराक में है, क्योंकि शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद अतीक की अनसुनी और अनकही कई काली करतूत का खुलासा हो सकता है। शाइस्ता पर पुलिस ने शिकंजा कसने की तमाम कोशिशें की, लेकिन माफिया की पत्नी अभी भी कानून को चकमा दे रही है। बेटे का एनकाउंटर और पति का मर्डर होने के बाद भी शाइस्ता पुलिस से छिपती फिर रही है, लेकिन इतना तो तय है कि 50,000 की इनामी शाइस्ता जब भी पकड़ी जाएगी तो कई राज भी सामने आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो वही टॉकी रजत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। आइए सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा इस समय हमारे साथ में है। सबसे पहला सवाल तो तमाम ऐसे आप भड़काव कहते हैं, भड़काऊ भाषण आप देते हैं, जब ऐसे समय में जब अतीक की हत्या हुई, उसकी जांच चल रही है, तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या ये सही समय आपको लगता है? ने हमेशा एकता भाईचारे की बात की है, पर दस्ती मेरा नाम अतीक के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं अतीक की हिमायत में नहीं निकला। शाइस्ता कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, कितना ही बड़ा दंगाई हो, कितना ही बड़ा डॉन हो, महिलाओं को कभी आरोपी नहीं बनाया जाता है, और ना महिलाओं का इन चीजों से कोई ताल्लुक होता है। जबरदस्ती उसे 120B का मुल्जिम बनाया गया है। तो जब महिला एक जो खालिस हाउसवाइफ है, वो उनके धंधे क्या है, उनके काम क्या है, उनके कारनामे क्या है, उससे उस औरत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो इस वक्त इद्दत में है, और इद्दत उस पर शरई पाबंदी है, शरीयत के मुताबिक वो इद्दत में है, 4 महीने 10 दिन तक सकते हैं। हमें करना चाहिए जंतर मंतर भी, इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम पूरे हिंदुस्तान से